रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा में मजदूरों के सामने दो वक्त की रोटी जुटाने का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि इन मजदूरों की मदद के लिए भामाशाह आगे आने लगे हैं। अलवर न्यूज के रिपोर्टर पवन अग्रवाल के अनुसार भामाशाह चंद्रशेखर यादव ने उप अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित गाड़िया लोहारू परिवारों को राशन किट व हरी सब्जी का वितरण किया। चंद्रशेखर यादव ने बताया कि महामारी में मजदूर श्रमिक वर्ग के आगे रोजगार की समस्या आने लगी है। सरकार को गाइडलाइन के साथ रोजगार भी उपलब्ध कराना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले कोरोना काल में भी यादव ने अस्पताल में आवश्यक मशीन उपकरण और जरूरतमंद लोगों को राशन किट व भोजन के पैकेट भी वितरित किए थे। रेड जोन मेरी तरफ रेड जोन लॉकडाउन लगा दिया है कि कोई सड़क पे नहीं निकलेगा, कोई बिना काम नहीं निकलेगा। वो कोरोना से नहीं मरना चाहिए, चाहे भूख से मर जाए। सरकार ने बिल्कुल अपने हथियार डाल दिए हैं और सिर्फ अधिकारियों के दम पे सरकार की नीतियां बन रही हैं, चल रही हैं। और मजदूर तबके को जो रोज़ कमा के खाने वाले व्यक्ति हैं, जो इस देश की आबादी है, इस राजस्थान की आबादी है, जो रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है, जिनके पास बचाने को एक रुमाल का टुकड़ा भी नहीं बचता, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। कोई पॉलिसी इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तिजारा के अंदर तो हम हैं, पिछली बार भी हमने भूख से किसी को नहीं मरने दिया। बीमारी से कोई मर गया वो सरकार की कमी है, भूख से हमने मध्य प्रदेश बिहार यूपी के मजदूरों तक को नहीं मरने दिया था। इसके लिए आज आप राशन किट दे रहे हैं? आज से हम राशन किट बांटने की शुरुआत कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनके घर दो दो तीन तीन दिन से चूल्हे नहीं जले, इनकी तरफ भी देखो। आपने आदेश जारी कर दिए, रेड जोन पखवाड़ा लागू कर दिया कि लॉकडाउन टाइप का ही बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी, मैं भी भूल रहा हूँ मुख्यमंत्री की तरह, लेकिन इसके लिए आपने ये क्या तैयारियां करी कि लोग भूखे मर जाएं? कोरोना से नहीं मरने चाहिए, बच जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। आज कितनी भूख से मर जाएंगे? राशन किट कितनी दोगे? सूखा राशन तो बटवाइए उन लोगों को जो हैंड टू माउथ है।